डेली हिंदी फ्लिप स्क्वायर में टोरटो के आइकॉनिक टोरटो साइन आरोप तोड़ फोड़ नामानो अफरा ने मुख्त किस्म के नारे दर्ज कर दिए ऑन्टेरियो में कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा चौबीस घंटों के दौरान सूबे में कोरोना वायरस के दो सौ सत्तावन नए केसेसन कंपनीज भी फेसबुक के खिलाफ मुहिम में शामिल हो गई दुनिया की बड़ी कंपनीज की जानब से फेसबुक पर इश्तहारात का किया जा रहा है। कैनेडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी है मुतासर होने वाले अफराद की तादाद एक लाख तीन हजार नौ सौ अठारह हो गई जनरल कासिम सुलेमानी का कत्ल डोनाल्ड ट्रंप के वारंट गिरफ्तारी जारी ईरान ने ट्रंप की हवालगी के लिए इंटरपोल रेड नोटिस की दरखास्त दे दी दुनिया भर में कोरोना वायरस की मोजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि मौत में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है अमरीका में जंगलात में आतेजद की दस हजार एकड़ अराजी जल गई हजारों अफराद की नकल मकानी हेडलाइंस आपने जानी अब खबरें तफसील साथ नितिन फिल्म स्क्वायर में टोरंटो के आइकॉनिक टोरंटो साइन पर तोड़ फोड़ की गई है इस हवाले से कोई मालूम सामने नहीं आई कि इन सब के पीछे कौन है और ये सब किसने किया इस रिपोर्ट में। नेथन फिलिप्स स्क्वायर में ट्रांटो के आइकॉनिक ट्रांटो साइन पर तोड़फोड़ की गई है इस तोड़फोड़ के पीछे मुल्की हालात से मुतल मुख्तलिफ्याल की निशानदही की गई है जबकि एक नीले रंग की तिरपाल को मुख्तलिफ नारों के साथ वहाँ लगा दिया गया इस हवाले ऐसी कोई मालूम सामने नहीं आई की इन सब के पीछे कौन है और ये सब किसने किया ये जगह गुजश्ता महीने ऐसी एहतजाज का मुकाम रही है जबकि लोगो ने यहाँ टेंट भी लगाए थे शहरी हुकूमत की जानब ऐसी कहा गया है की वो जल्द इसकी मुरम्मत कर लेंगे जबकि आवाम के तहफ को यकीनी बनाने के लिए एहतजाज पर नज़र रखी जाएगी किसी भी तोड़ फोड़ का जायजा लिया जाएगा और किसी भी नुकसान की मुरम्मत की जाएगी कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के में फिर इजाफा होने लगा गुजर 24 घंटों के दौरान सूबे भर में कोरोना वायरस से दो नए केसेस सामने आए हैं मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस केसेस में फिर इजाफा होने लगा गुजशतर 24 घंटों के दौरान सूबे भर में कोरोना वायरस के दो नए केसेस सामने आए जिन से निस्ट केसेस सर, एसेक्स के इलाके से रिपोर्ट हुए। सूबे में से की मजमु तादाद चौंतीस हजार नौ सौ ग्यारह तक जा पहुँची है जबकि सतासी फीसद अफराद सेहत याब हो चुके हैं सूबे में गुजशत एक दिन के दौरान करोना वायरस के बाईस मजीद सात अफराद की हलाकत हुई जिसके बाद करोना वायरस के बाईस हलाकतों की तादाद दो तक जा पहुँची है किंगस्टन में कायम एक सेलोन ऐसी से कोरोना वायरस के फैलाव के बायस मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 27 तक जा पहुँची है जिनमें सेलोन के मुलाज़मीन और वहाँ आने वाले सार्फिन भी शामिल है सेलोन को गैर मुयना मुद्दत के लिए बंद कर दिया था कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के दौरान इस सैलून से अब तक 27 अफराद के होने की मुताक हो चुकी है मुतासर होने वाले अफराध में वो लोग भी शामिल हैं जो सैलून पर तो नहीं आए लेकिन वो सैलून से मुतासर होने वाले अफराद के साथ करीबी रबते में रहे दुनिया की बड़ी कंपनीज की जानब से फेसबुक के बाईकॉट का सिलसिला जारी है जबकि अब इसमें कैनेडियन कंपनियाँ भी शामिल होने लगी हैं मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में दुनिया की बड़ी कंपनीज की जानब से फेसबुक के का सिलसिला जारी है जबकि अब इसमें हकूक इस के, के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले ग्रुप्स और दीगर लीग शामिल हैं उनका कहना है की फेसबुक ने सफेद फम अफराद की बरतरी तासुपरस्ती नसली इम्तियाज और तशद के फैलाव से मुतल मवाद को ख़त्म करने के लिए जिकर एक दाम नहीं किए उनका कहना था की हम लोगों में नस्ली इम्तियाज से मुतालिक आगाही फैलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं की फेसबुक भी इस सिलसिले में काबिल एकदम उठाए और ऐसे मवाद के फैलाव को रोकने के लिए इकदाम करे जो किसी एक तबके की बालत तरी इम्तियाज पर मबनी हो कम्पनीज ने फेसबुक की जानब ऐसी नफ़रत आरोप मबनी मवाद के फैलाव को रोकने ऐसी इनकार आरोप बैकॉट मुहिम का आगाज किया वैनकोवर की एथलेटिक वेयर कम्पनीज लोला लेमन एथलेटिका इनकारेशन माउंटेन इक्विपमेंट ओ आर टेरिक्स ने फेसबुक पर चलाए जाने वाले इश्हार को रोक कर में शामिल होने का ऐलान किया वाज है कि की दुनिया की नामवर मल्टी नेशनल कंपनीज कोका कोला होंडा अमेरिका, पैटागोनिया और दीगर कई बड़ी कंपनीज फेसबुक का बाइकॉट कर चुकी है कैनेडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद आठ तक जा पहुँची है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी है आखिरी इतलात के मुताबिक कैनेडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद एक लाख तीन हजार नौ सौ अठारह हो गई है मुल्क भर में करोना वायरस के बाईस हलाक होने वाले अफराद की तादाद आठ तक जा पहुंची है क्यूबैक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है ताहम वहां अब कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने लगी है सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमुई केसेस की तादाद पचपन हो गई है जबकि सूबे में कोरोना वायरस के 22 होने वाली हलाकतों की तादाद पाँच तक पहुंच चुकी है ऑनटेरियो में कोरोना वायरस से चौंतीस हजार नौ सौ ग्यारह अफराद मुतासर हुए हैं जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद दो हजार छह सौ पैंसठ है अलबर्टा में आठ हजार सरसठ अफराध करोना वायरस से मुतासर हुए हैं जबकि एक सौ चौवन अफराद करोना वायरस के बाईस हलाक हो चुके हैं ब्रिटिश कोलम्बिया में उनतीस सौ चार अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद एक सौ चौहत्तर है इराक के दारकूमत बख्त में अमरीका के हाथों होने वाले जनरल के ईरान में डोनाल्ड ट्रंप के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में ईरान के दारकूमत बगदाद में अमेरिका के हाथों कत्ल होने वाले जनरल सुलेमानी के कत्ल पर ईरान में डोनाल्ड ट्रंप के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए ट्रंप की हवालगी के लिए इंटरपोल रेड नोटिस की दरख्वास्त ग खबर इदारे के मुताबिक तहरान के प्रोसिक्यूटर ने कहा की बैन अवी पुलिस के जरिए डोनल्ड ट्रंप समेत छत्तीस अमरीकी फौजी और सियासी अहदेदारों के साथ साथ जनरल सलेमानी के कत्ल में मुलविस दीगर ममालिकाले अफराद की गिरफ्तारी और रेड डिक्लेयर करने का हुक्म जारी किया गया है ईरानी अदलिया के सरबरा अमामा सैद इब्राहिम रईसी की क्यादत में इजलास के दौरान तहरान के प्रोसिक्यूटर अली अलकासी मेहर ने जनरल सलेमानी के कत्ल केस से मुलक किए गए इकदाम पर तबसरा करते हुए कहा के बामी पुलिस के जरिए डोनल्ड ट्रंप समेत छत्तीस अमरीकी फौजी और सियासी अहदेदारों के साथ साथ जनरल सुलेमानी के कत्ल में मुलाविस दीगर से वाले अफराद की गिरफ्तारी और रेड डिक्लेयर करने का हुक्म जारी किया गया है उन्होंने इस अफराद के जुर्म को कत्ल और दहशत गर्दाना इकदाम करार देते हुए कहा की इस फहरिस्त में सारे फहरिस अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रंप है और उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी ये बात काबिल है कि तीन जनवरी को इराक के दारकूमत बगदाद के एयरपोर्ट पर अमरीका की जानब ऐसी रॉकेट हमले किए गए जिसके नतीजे में पासदारान के कमांडर कर्ज जनरल कासिम सलेमानी समेत इराक की अवामी रजाकार फोर्स अल शाबी के डिप्टी कमांडर अबू मेहदी अलमोहदस भी मारे गए थे दुनिया भर में कोरोना वायरस ऐसी मुताद की तादाद एक करोड़ चार लाख उनतीस हजार नौ सौ चौबीस तक जहाँ पहुँची है जबकि इससे हलाकते पाँच लाख आठ हजार छह सौ सैंतीस हो गयी इस रिपोर्ट में दुनिया भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे है जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज इजाफा हो रहा है दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफरा की तादाद एक करोड़ चार लाख उनतीस हजार नौ सौ चौबीस तक जा पहुँची है जबकि इससे हलाकते पाँच लाख आठ हजार छह सौ सैंतीस हो गयी अमरीका वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क है जहाँ न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकते भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा है अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक एक लाख अट्ठाईस हजार सात सौ अट्ठासी अफराध मौत के मुँह में पहुँच चुके हैं जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमू तादाद छब्बीस लाख बयासी हजार ग्यारह हो चुकी है कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से की में ब्राजील दूसरे नंबर पर है जहां कोरोना के मरीजों की तादाद तेरह लाख सत्तर हजार चार सौ अड़तालीस तक जा पहुंची है जबकि यह वायरस अट्ठावन हजार तीन सौ पिचासी जिंदगी निकल चुका है कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात नौ हजार तीन सौ बीस हो गयी जबकि इसके मरीजों की तादाद छः लाख सैतालीस हजार आठ सौ उनचास हो चुकी है भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस में चौथे नंबर पर है जहां कोरोना से सोलह हजार नौ सौ उन्नीस हलाकते हो चुकी हैं जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद पाँच लाख अड़सठ हजार तीन सौ छियालीस हो गई ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद दस हजार छह सौ सत्तर हो गई जबकि कोरोना के कुल केसेस दो लाख पच्चीस हजार दो सौ पाँच हो गए सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवाद एक हजार पाँच सौ निन्यानवे रिपोर्ट हुई है जबकि मुम्लिक में इसके मरीजों की तादाद एक लाख छियासी हजार चार सौ छत्तीस तक जा पहुंची है चीन जहां दुनिया में कोरोना का पहला केस सामने आया था वहां कोरोना वायरस पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है और रोजाना सिर्फ चंद नए कोरोना मरीज सामने आते हैं जबकि इस अमुआत में काफी अरसे से कोई इजाफा सामने नहीं आया अमरीकी रियासत योटा के जंगलात में आग लगने से दस हजार एकड़ इराज़ी जल गई हजारों अफरा को महफूज मकामक कर दिया गया है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में अमरीकी रियासत योटा के जंगलात में आग लगने से दस हजार एकड़ अराजी जल गई हजारों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है खबर मुल्की मीडिया के मुताबिक योटा के शहर सरातोगा स्प्रिंग्स के करीब जंगलात में आग भड़क उठी आग कई हजार एकड़ जमीन पर फैल गई जिससे एक मकान भी जल गया प्रेस की जराये के मुताबिक इमदादी रजाकारों ने हजारों अफराद को महफूज मकामिल कर दिया है अब तक के लिए इतना ही मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू टीवी Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.